लेट्स गो। इस्तांबुल अमेजिंग व्यू और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये एक्सपीरियंस है। Assalamualaikum guys, welcome back to our channel Hasnain aimon। की उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। So today we are going with Adam brother। Hello Adam brother, how are you? Yeah, hello brother, morning, good, you good? Yes, good morning brother, I am good। So guys, today we are going for organizing an event। Alhamdulillah, Adam is my partner here in transportation and event management businesses। So आज हमारे पास एक client है, foreigner client। उनका हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करा है, तो वहाँ का वीडियो शूट और फ़ोटो शूट वगैरह हम करेंगे। यू गाइज नो आई एम अ यूट्यूबर हेयर, सो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिवाइसेस और गैजेट्स को कंट्रोल करना आता है, तो एडम ने हमें सेलेक्ट करा ये सर्विसेज देने के लिए। तो बाकी सारी चीज़ें एडम ने अरेंज करी हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन। और इस इवेंट में आपको हेलीकॉप्टर का टूर भी हम बताएँगे, और ये सारी सर्विसेज हम लोग यहाँ देते हैं। अगर आप लोग को अपनी फैमिली के लिए सर्विसेज चाहिए हो, लाइक इफ़ यू वांट टू सेलिब्रेट योर वेडिंग एनिवर्सरी और इफ़ यू वांट टू सेलिब्रेट लाइक योर बर्थडे, तो आप भी हमसे ये सर्विसेज ले सकते हैं। देयर इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। खैर, ऑन द वे हैं अभी हम यहाँ से। आई थिंक एडम राइट नाउ वी आर गोइंग तकसीम स्क्वायर। या तकसीम स्क्वायर एट द दिवान होटल। दैट्स नाइस होटल। ओके, दैट्स हेलीकॉप्टर विल लैंड एट द टॉप ऑफ द दिवान होटल। ओके, एंड take our clients, okay, and Istanbul tour at the on the air, okay, show them and come back to same hotel, and then second program will go on. Okay, nice। तो भाई on the way है। मैं उर्दू में भी थोड़ा सा बताते जा रहा हूँ, जो लोग हमें उर्दू में वॉच करते हैं, ताकि उनको भी आसानी हो सुनने में। हमें यहाँ से हम राइट नाउ तकसीम होटल जाएंगे। एक होटल है, वहाँ बेसिकली हेलीकॉप्टर आएगा और वहाँ से हम हेलीकॉप्टर में बैठ के क्लाइंट्स को बिठा के पूरा इस्तांबुल का टूर करेंगे, उनका वीडियो शूट भी करेंगे, और फिर शायद हमें उसके बाद स्पांचा का भी सीन है। एडम राइट, आई एम वी विल गो टू स्पांचा राइट? या आफ्टर द हेलीकॉप्टर वी विल टेक देम विद वीआईपी कार और वीआईपी सर्विस टू Sapanca। वी विल अरेंज नाइस विला फॉर देम। ओके, हीटेड पूल, वेरी नाइस विला। ओके, दे विल स्टे देयर। ओके, दैट्स राइट, दैट्स नाइस। विल गो टू Sapanca। दैट्स सो Sapanca का भी सीन है। आदम ये बता रहे हैं कि Sapanca में विला भी उन्होंने बुक करवाया है, तो हम ये विला वगैरह आपको Sapanca में रेंट पे चाहिए हो तो हम वो भी अरेंज कर देंगे आपके लिए। देयर इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट अस। और Sapanca का विला काफ़ी ज़बरदस्त है। Sapanca एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ भी हैं। मैंने लास्ट कुछ महीनों पहले Sapanca का व्लॉग भी डाला था, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यू गाइस कैन सी द Sapanca प्लेस। अगर आपको Sapanca का भी टूर चाहिए हो, उसके लिए गाड़ी वगैरह तमाम चीज़ें हमारी अवेलेबल होती हैं। आदम जो है वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन और जितने भी ये प्राइवेट टूर्स होते हैं, लाइक इफ़ यू वांट टू गो Cappadocia, इफ़ यू वांट टू गो Antalya, Bursa, मैनी प्लेसेस आर हेयर, सो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट अस। आपको प्राइवेट कार भी मिल जाएगी, और तमाम होटल्स वगैरह की बुकिंग आपको करवानी हो और जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस पे जाना हो, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग रब्ता कर सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर हेल्प के साथ अच्छी हॉस्पिटलिटी मिल जाएगी। सो बी विद अस। बातें शातें बहुत हो गई हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो, और चलते हैं होटल और वहाँ देखते हैं क्या सीन है। हमारे साथ रहिएगा, आपको इवेंट भी कवर करवाते हैं और थोड़ी बहुत जो है वो मालूमात भी देंगे। एडम, इन दिस वीडियो आई वॉन्ट टू टॉक यू समथिंग अबाउट इन्फ्लेशन इन टर्की ऑल्सो। एंड Also, we will talk like local life of Turkish people are disturbing due to inflation. Yeah. So, can we talk right now? Yeah, we can talk. Inflation is not only in Turkey. Okay. This year, after the pandemic, not this year maybe we can say. मैं साथ-साथ आप लोगों को ये भी experience आदम का share करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग property खरीदने आ रहे हैं और family settlement के लिए भी यहाँ आते हैं, तो उनको भी idea हो कि local Turkish का क्या experience है. So yes, Adam, tell me about one thing, brother. I feel that grocery prices are going up, utility bills are going up. So how about the local Turkish people? They are getting affected or not? Yes. Like other countries, many people affect because of the inflation, and or inflation is government tell us 87-85% inflation. We are feeling maybe a little bit much inflation because how you know this? One things pay 10 lira. 10 days, 1 month later, 20 lira for example, 100 inflation. This is simple maths. I'm living with a family, I can feel. Also you can feel it. Yes. You're living here and nice location you are living, also you can, you know, that's inflation rate. But our people is, how can I say, don't protest our government, don't tell anything. Okay. Except their situation. What can we do? We cannot add money. We cannot collect money for our new program, new plans. Very true. Buy new car, for buy new house, land, other things. Everyone have a like that plan. Very true. We cannot add money, collect money for our future. Very true. Just these years, not months. These years we can live. It's shukr. Yeah, shukran. If say alhamdulillah. Get bread, alhamdulillah, like this. Very true. Actually, Adam, you know, all over the world it's doing same. If you will go America, people are crazy about America. Yes. But if you will go America inflation rate is very much high. 7%. Yeah. 8%, like that. I saw many vlogs nowadays on YouTube. Many people are leaving America because the rent are so much high there. Yeah. You know, $5,000. Oh, that's a small apartment rent. $5,000 band. Crazy. It's too much. Yeah, so that's the thing, brother. And end of the year or new minimum salary, who is working at the factory or other part, or minimum salary, we learn it 2 days before. 8,500 Turkish lira. Yeah, you know, and 0.6 lira. That's good. You know. I think so, brother. I came from Pakistan. A couple is working at somewhere. Yes. Bought money, 16,000 around, 70,000. Sorry. Yes. Seven is not money. It's good money. We can say dollar, $1,000 around. Yeah, true. Right. $1,000 for 1 month. It's not bad. It's not bad. True. It's good, I think. See, I came from Pakistan, Adam. Your government is very good. Yeah. They care the people. Yeah. You have very good transportation system. Even health system is very good. Cleaning system. Yeah, cleaning health. No garbage. You know, Istanbul is living 20 million people in Istanbul. Yeah. You see any garbage? It's a miracle. Yeah. Believe me, it's a miracle. I came from Karachi. I know very well. Karachi is full of garbage, you know. I want an example for abroad. Didn't live there, but maybe you lived. But we didn't see any garbage on the way. See, Adam, if you are paying money here, brother, you are taking a quality of life from the government. Government is providing you cleaning. No, we are not paying extra money for cleaning, for other things. If you like mean, taxes, like, if you are paying taxes, so you are getting something. Yeah. Just if you are Turkish citizenship, you can get your rights. Yeah, very true. Healthy. Just live. Everything is free, brother. Education is also free. Yeah, education also free. Health system also free. Yeah. And medicine is very, very cheaper. Yeah, like very free. Cheap. So that's good. Turkey is good, brother. Thank you very much, Adam. And last, can I say last thing? Yes. How we prove it, this healthy system, I want to say. We see past the COVID, you know, COVID-19. Yeah. That's big. We think that's developed country. Very true. Spain, Italy, like that country. Very true. But we see that country, they, how can I say, collapse the health system. Very true. Their health system is collapsed. But in Turkey, we have many hospitals, many doctors. Alhamdulillah, we solved that problem. Yes, very true, very true. This is the example or health system. Yeah, these things are very important. Yeah. Because you know, in my country, I'm sorry to say, but there are so many problems. Can I speak with helicopter pilot? Yes, yes, of course. Mrs. So भाई ये आदम से हमारी कुछ बातें थी इस वीडियो में. मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी हमारी वीडियोस जो है ना वो मुख्तलिफ होती हैं इस वजह से क्या कि आप लोगों को भी नॉलेज हो, हमारा भी काम हो जाए. तो ये एक लोकल का रिव्यू था रिगार्डिंग इन्फ्लेशन रेट एंड सारी चीज़ें. तो मिलते हैं आपसे तकसीम के होटल पे और फिर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन और सारी लोगों को. थैंक यू. ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. सो गाइज अलहमदुलिल्लाह हम होटल पर आ गए. यू गाइज कैन सी द होटल हियर. डिवाइन होटल का नाम है एंड इट्स अमेजिंग. रिसेप्शन everything lobby is amazing mashallah. So you guys can see the view here. और अभी हम क्लाइंट का वेट कर रहे हैं. एडम जो है वो पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ. तो अभी क्लाइंट से बात करके पूरा मालूमात ले रहे हैं सारी चीज़ों के बारे में. सो लेट्स सी, बड़ा मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. रिस्क जो है ना देखें अल्लाह ताला देता है. अब हम एक तरफ जो है वो प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं और एक तरफ इस तरीके के इवेंट्स भी हमारे पास कभी कभार आ जाते हैं. ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग भी जो है वो टर्की आएँ. यू कैन स्टेप फॉरवर्ड एंड टेक सम डिसीजंस. और इंशाअल्लाह ताला रिस्क की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला की. अगर आपके पास स्किल्स होंगे तो आपके पास बिज़नेस भी आएगा चल के. तो एज अ यूट्यूबर्स हमारे पास ये स्किल्स होती हैं कि हम वीडियो शूट करते हैं, यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं. तो इस तरीके से आदम हमें प्रोजेक्ट्स भी दे देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं. तो लेट्स सी अभी क्लाइंट आते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ीद आगे दिखाते हैं किस तरीके से हम इवेंट शूट करेंगे. थैंक यू. ये आप देख सकते हैं हम लोग ऑन द वे क्लाइंट्स के साथ और हेलीकॉप्टर टूर हो रहा है ज़बरदस्त किस्म का. बहुत ही अलग किस्म का एक्सपीरियंस है आज हमारा. गाइस कैन सी द बैक साइड ऑल इस्तांबुल इज, यू कैन सी ऑल इस्तांबुल. अमेजिंग व्यू और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये एक्सपीरियंस है. इट्स अमेजिंग गाइस, इट्स अमेजिंग. क्लाइंट्स हमारे साथ बैठे हैं. बीच में 360 कैमरा लगा के शूट भी चल रहा है. एडम इज विद अस और क्लाइंट्स का फोटो शूट वगैरह भी चल रहा है. हमारे क्लाइंट्स से इंटरेस्ट करती और अमेजिंग एक्सपीरियंस है. और इस तरीके के एडवेंचर्स करना चाहिए, काफ़ी मज़ा आता है. और अगर आपको ये सर्विसेज चाहिए हो तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट अस. Sapanca with my lyrics. Got a little bit of gasoline. ये भाई हम गाड़ी में सामान रख रहे हैं क्लाइंट्स का, और क्लाइंट्स आने वाले, अभी क्लाइंट्स आते हैं तो फिर हम गाड़ी में सामान रख के स्पांचे के लिए मूव हो रहे हैं। दीवान होटल है, वन ऑफ द बेस्ट होटल है, और इन्होंने हमें ये भी कॉपरेट करा कि होटल की छत पे इनके हमने हेलीकॉप्टर उतारा है, वो बड़ा मज़ा आया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्पांचा की एक गाड़ी में बिठा दी है। यू गाइस कैन सी ऑन माय बैक साइड हम ये गाड़ी की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और कंप्लीट फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफी, इवेंट मैनेजमेंट। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम लोग लाइव व्लॉगिंग क्लाइंट्स के साथ इस वजह से कर रहे होते हैं ताकि आपको हमारी सर्विसेज का आइडिया हो कि हम लोग किस किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं। सो एडम, एवरीथिंग इज़ ओके? So let's go to Sapanca. Yeah, let's go to Sapanca. Okay. Podcast is ready. That's good. Everything is fine. The helicopter experience was very amazing, brother. Yeah, that's also pilots. Yeah. Pilot also soldiers. Sorry. So everything is ready. Let's go to Sapanca. Let's go to Sapanca. Thank you very much for amazing. No problem, brother. I'm always here for you. Videographer, YouTuber. Alhamdulillah, brother. Alhamdulillah. If you say thanks. Your sugar is everything, you know, sugar is everything. So guys, हम on the way हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं हम Sapanca की तरफ दवा दवा हैं और बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, बड़ी ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। और Sapanca on the way है। गिब्जे आप देख सकते हैं, ये पूरा गिब्जे का एरिया कहलाता है और गिब्जे हम क्रॉस करते हुए Sapanca की जानिब रवा दवा है। इंशाल्लाह ताला फ्यू मिनट्स में हम Sapanca पहुँच जाएंगे। तो वहाँ आपको विला भी दिखाते हैं जो हमने अपने क्लाइंट्स के लिए अरेंज करा है, और एक अमेजिंग सा इवेंट था ये, बहुत मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह ताला आप लोग को भी ये सर्विस चाहिए तो देयर इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़। सो गाइस हम Sapanca पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। यू गाइस कैन सी इट्स लाइक अ विलेज, और बड़ा ज़बरदस्त हिली एरिया है ये। आप लोग टूरिज़म के लिए यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ अगर आप लोग को आने के लिए सर्विसेज चाहिए हो, गाड़ी चाहिए हो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हैं यहाँ, मोटर बाइक्स वगैरह की। अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं सारा सीन यहाँ, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ हैं। मैंने लास्ट व्लॉग यहाँ करा था अमन के साथ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। इफ़ यू गाइज वांट टू सी दिस Sapanca टूर, तो आप लोग देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ गाड़ी ये खड़ी हुई है, इस किस्म की गाड़ियाँ रेंट पे मिल जाती हैं और आप इनको ड्राइव कर सकते हैं। बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है ये। तो ये स्ट्रीट व्लॉगिंग में मैं इस वजह से कर रहा होता हूँ ताकि जो लोग यहाँ आना चाहते हैं घूमने फिरने या सेटल डाउन होने, तो उनको एरिया का आइडिया हो। और जस्ट वी आर अबाउट टू फिनिश, यस दैट्स द प्लेस। ये सामने आप देख सकते हैं, ये पूरी गाड़ियों की जगह बनी हुई है, यहाँ से हम गाड़ी हायर करते हैं। अभी मैं टिकट्स वगैरह भी आपको बताता हूँ कितने का है। तो वंस अगेन बड़ा मज़ा आने वाला है। लेट्स एक्सप्लोर Sapanca। Yeah, this one. So guys, finally we are here. Okay. Have some tea with Adam. Adam, brother, I want some tea. Yeah. It's very cold, brother. With cheese. Yeah, okay, no problem. Cheese sandwich? Yeah. Okay. Toast. Very nice. So we will have a cheese toast here और चाय वाय पी के फिर आगे निकलते हैं विला की साइड पे इंशाल्लाह ताला। देखें यहाँ शॉप्स भी होती हैं, इस किस्म की शॉप्स होती हैं, और यहाँ आप चाय शाय भी पी सकते हैं, मूँगफलियाँ वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं, कॉर्नस वगैरह भी देख सकते हैं आप मेरी बैक साइड पे। तो काफ़ी सारा सीन ऑन है। ये पट्टी शट्टी भी रखी हुई है इन्होंने, ये आप देख सकते हैं मेरी साइड पर पट्टी शट्टी रखी हुई है इन्होंने। तो दैट्स अमेजिंग प्लेसेस। ये भी क्लाइंट के लिए बाइक अरेंज कर दी है हमने। अभी क्लाइंट्स यहाँ बैठ के इसमें जाएँगे। ये बाइक्स होती हैं या इनका रेंट होता है। आई थिंक ये सारे प्राइजेस लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 400 लीरा, 600 लीरा, 750 लीरा, अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग पैसे हैं। तो अभी इनकी गाड़ी हमने करवा दी है, फॉरेनर क्लाइंट है हमारे ये। तो अभी ये लोग गाड़ी में टूर करने जा रहे हैं और हम लोग आदम और मैं पियेंगे चाय एंड सैंडविच। थैंक यू आदम। चाय इज़ हेयर, सैंडविच इज़ हेयर। थैंक यू ब्रदर। आदम लगे मैं कामों पे। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। यू वांट टू गो? मैं तो मना कर दिया भाई जाने से। बस सही है, अपना चाय लंगर वंगर करें। भूख लग रही है, सुबह से निकले हुए, खाना वाना खा के फिर आपसे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं पूरा 360 व्यू बाइक्स वगैरह का, सारी चीज़ों का। अभी मैं आपको शावर वगैरह भी दिखाता हूँ। यहाँ See this place, it's amazing. ये देखें आप, ये जो है यहाँ का एक ज़बरदस्त किस्म का व्यू है अफशार का। तो आप देख सकते हैं, इट्स अमेजिंग प्लेस। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की जगह है, यू गैस कैन सी हियर। और इट्स अमेजिंग प्लेस, फैमिलीज़ को लेकर आए, एंजॉय करें, काफ़ी मज़ा आता है जगहों पे आने का। हम ऑन द वे हैं। अभी क्लाइंट को हमने एक एक्टिविटी करा दी है और दूसरी एक्टिविटी करवाने हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं। यहाँ करीब करीब सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अभी हमने एक इनको बाइक वाली एक्टिविटी करवा दी है, अभी जिपलाइन करवाने लेके जा रहे हैं। मैं रोड व्लॉगिंग भी साथ साथ शेयर कर रहा होता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो ये किस किस्म का एरिया है और यहाँ कैसी कैसी फैसिलिटीज़ है। बड़ा ज़बरदस्त हिली एरिया है और इट्स क्वाइट अमेजिंग। और माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त वेदर भी है आज। ये सब आप देख सकते हैं सामने, इन्होंने ट्रैफिक पुलिस और सिक्योरिटी ये सब लगाए हुए हैं ताकि अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा हो तो फ़ौरन उसको कवर अप करा जाए। मुझे तो बिल्कुल ये मरी की तरह प्लेस लग रही है। आप रोड्स वगैरह देखें, जैसे हम इस्लामाबाद से मरी जाते हैं तो उस किस्म का रोड आता है। तो इट्स क्वाइट लाइक फेमिलर लाइक मरी। और जगह जगह रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं यहाँ। तो काफ़ी अच्छा एक्सप्लोरिंग पॉइंट है स्पांचा। आप लोग को अगर टाइम मिले तो लाजमी स्पांचा का टूर करें। ये देखें यहाँ बाज़ार है, यहाँ 10-20 लीरा का, 25 लीरा का, 10 लीरा का ये सारा सामान लगा हुआ है, तस्बीहां वगैरह सारी चीज़ें। तो आप लोग यहाँ की इस किस्म की शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। क्लोथ्स एंड एवरीथिंग इज़ हियर। तो इस किस्म की शॉप्स होती हैं, तो आप यहाँ के शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कॉफ़ी शॉप्स बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये स्पांचा में कुछ अच्छी खाने पीने की छोटी मोटी जगहें भी हैं। ये सारे गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, ये कान मन करने वाले मिल रहे हैं सर्दियों के यहाँ। तो बड़ा अच्छा सिस्टम है यहाँ टर्की के अंदर। काफ़ी प्लेसेस हैं घूमने फिरने की जिससे आप अपनी फैमिली को एंजॉय करवा सकते हैं। आदम की ये अच्छी बात है, आदम माशाल्लाह से, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बंदे की, ये टर्किश बंदा है, यहाँ इसकी खुद अपनी 3 से 4 मर्सिडीज वीटो हैं और इतना सादा तबीयत बंदा है ये माशाल्लाह से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इतनी लोग यानी पैमाना वसी रखते हुए भी आजी रखते हैं ना, तो इट्स गुड। आजी जो होती है ना वो बड़ी चीज़ होती है और जो लोग आजिज होते हैं और झुके हुए होते हैं अल्लाह ताला उनको और ऊपर लेके जाता है। तो दैट्स व्हाई आई एम विद आदम। आजिज बंदा है हमारे जैसा। सो गाइज, हम दूसरी एक्टिविटी की तरफ आ गए। फ्लोर मिरर कहलाता है ये, टॉप फ्लोर होता है और यहाँ से पूरा एक स्पांचा का व्यू नज़र आता है। इट्स अमेजिंग। अभी लेके चलते हैं आपको। हमारे क्लाइंट ये आगे चल रहे हैं, जैसे देख सकते हैं आप, आदम वो आगे जा रहे हैं। और काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई हैं यहाँ आज। हालांकि वीक डे है, मंडे है, मगर फिर भी काफ़ी रश है। इट्स अमेजिंग। ये हमारे क्लाइंट यहाँ फ़ोटोग्राफी वगैरह करवा रहे हैं। Yeah, it's very cold. सो ये पूरा आप व्यू देख सकते हैं यहाँ से, हाइट आपको नज़र आ रही होगी। तो हमारे क्लाइंट्स को काफ़ी सर्दी लग रही है भाई, तो हम लोग वापस जा रहे हैं। हो गई बस एक्टिविटी, अब क्लाइंट को सर्दी लग रही है तो क्या कर सकते हैं भाई, लेट्स गो। तो भाई ये था हमारा मिरर एक्टिविटी का सीन। क्लाइंट को सर्दी लग रही है तो हम जा रहे हैं वापस, और यहाँ से हम जाएंगे विला के टूर पे। इन्होंने विला बुक कराया हुआ है, तो लेट्स सी विला कैसा है। सांस भी ठीक ठाक फूलता है भाई सर्दियों में, और हम तो वैसे ही हैवी वेट बंदे हैं। ये आपको मैंने अभी आते हुए बाज़ार दिखाया था, पूरा बाज़ार है यहाँ, तो बाज़ार का भी व्यू आप देख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं, चाय शाय बर्गर शर्गर खा बैठ के खा सकते हैं आप। सर्दी की वजह से सब ने यहाँ आग वाग भी लगाई हुई है, मज़े से सब आग सेक रहे हैं। खैर हम वापस जा रहे हैं ऑन द वे टू विला, और विला का आपको टूर करवाते हैं, वहाँ चल के देखते हैं क्या सीन है। गाइज वी आर ऑन द वे राइट नाउ, 5 मिनट में हम विला पर होंगे और आपको विला का टूर करवाते हैं। बहुत अमेजिंग विला है, जकूजी भी है, स्विमिंग पूल भी है गर्म पानी वाला, और अमेजिंग फैसिलिटीज़ हैं। और बस 2 मिनट में विला पहुंचते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला आपको विला के सिनेमैटिक शॉट्स भी दिखाते हैं, और एडम से बात करेंगे कि व्हाट इज़ द रेंट ऑफ विला। और अगर आप लोगों को ये विला चाहिए हो स्पांचा में, फॉर 1 नाइट स्टे, फॉर 2 नाइट, फॉर 3 नाइट्स, फॉर 1 वीक, सो देयर इज़ आवर व्हाट्सएप नंबर, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट अस। इंशाल्लाह ताला आपको ये बुकिंग मिल जाएगी। और स्पांचा का आपको टूर करना हो, या फिर आपको तमाम सिटीज़ इस्तांबुल, कैपाडोसिया, बुर्सा, यहाँ के टूर्स करना हो तो फ़ील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, देयर इज़ आवर व्हाट्सएप नंबर। इंशाल्लाह ताला आपको VIP प्रोटोकॉल में VIP सर्विसेज मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कपड़े कैसे टंगाए हुए, मरहबा बे, see the people are very happy, full of hospitality, they are living in the nature and very good mood, happy life। ये तो है वैसे, जैसे आप कुदरत में रहते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आता है ग्रीनरी में रहने का। और आप अगर आप हमारे पाकिस्तान में भी गांव देहात में चले जाएँ तो वहाँ के लोग काफ़ी खुश अखलाक और विदाउट एनी स्ट्रेस नज़र आते हैं। उसकी वजह ये है कि फ़्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश फूड, फ्रेश लाइफस्टाइल आप कह सकते हैं। मेजोरिटी ये विलास की लेन है, सही है, अपार्टमेंट मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट विलास और एवरीथिंग, सारे विलाएं हैं, बड़े बड़े घर बने हुए माशाल्लाह से। आई थिंक प्रॉपर्टियाँ सस्ती होगी क्योंकि ये एरिया कुछ विलेज टाइप का है, तो 101% यहाँ प्रॉपर्टी सस्ती होगी। वेल मैं ट्राई करूँगा इसमें आपको यहाँ स्पांचा की प्रॉपर्टी के प्राइजेज़ भी पूछ के बताऊँ यहाँ कितनी की प्राइजेज़ हैं। वैसे आप साहिबिnden पे भी जाके देख सकते हैं, स्पांचा फ़िल्टर में लगा के क्या क्या प्राइजेज़ मिल रहे हैं। देखें आप सामने सारे पहाड़ियों पे इन्होंने घर बनाए हुए हैं, और बड़ा ज़बरदस्त सा मनाजिर है, और मरी की तरह एरिया है। आई थिंक दिस वन एडम, द टॉप वन, टॉप पे विला है हमारा, सामने आप देख सकते हैं। बाहर से तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, अभी ऊपर जाके हम देखते हैं कि कैसा है ये। अच्छा यहाँ इस्तांबुल से थोड़ा सा वेदर अभी मुझे तेज़ लग रहा है, जैसे जैसे सूरज जा रहा है तो वेदर इज़ क्वाइट कोल्ड हेयर। मैं तो ठीक ठाक जैकेट्स वगैरह पहन कर आया था। मैं पहले एक्सपांचा होके आ चुका हूँ, मुझे पता है कि यहाँ किस किस तरीके का मसला होता है, और किस किस तरीके की सर्दियों के मनाजिर हैं और हवाओं के झटके हैं। तो हम तो पूरा पैक वैक करके निकले थे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा गूगल मैप प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि गूगल मैप जो हमें लोकेशन दिखा रहा है उससे अकॉर्डिंग आगे गलियां बने हैं। सब पाकिस्तान में विला पे पहुंच गए हैं, और यू गाइस कैन सी द व्यू हियर। ओहो हो, ये देखें आप, गरम गरम पानी आ रहा है जकूजी में। एंड दिस वन इज़ द विला, वेरी नाइस। ये विला है भाई, ये देखें आप, जकूजी के साथ पूरा इन्होंने गर्म ठंडा पानी का सिस्टम रखा हुआ है, बैठने बैठने की जगह है प्रॉपर, और माशाल्लाह से ज़बरदस्त सीन है सारा। So that's amazing place. It's very nice. The garden is here. Chairs वगैरह लगी हुई हैं. Barbecue grill is here. Very nice. अंदर से भी आपको दिखाता हूँ. So this is the villa you guys can. Your place on fire, let's get higher. भाई ये देख लें आप पूरा कंप्लीट टूर ऑफ विला, और ये मैं आपको एक ड्रोन फुटेज दिखा रहा हूँ, तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि विला के साइडों पे क्या है। तो बड़ा ज़बरदस्त सा ये विला है, ये देखें आप, अनार शनार लगे हुए हैं बेहतरीन। अब ऐसे अनार वनार कहाँ मिलेंगे आपको, यहीं से भी आप अनार तोड़ के खा सकते हैं। देखें अनार वनार ज़बरदस्त बेहतरीन, ये मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें आप, अनार ही अनार है भाई, अल्लाह ताला का करम है, ऐसी फसलों वाली जगह पे विला है इनका, ये लोग रात में अनार शनार भी तोड़ के खा सकते हैं। तो दैट्स अमेजिंग प्लेस भाई। इसका मैं रेंट अभी आदम से पूछवाता हूँ कि यहाँ का रेंट क्या है, क्योंकि रुकना तो बनता है भाई यहाँ। देख के ना अब दिल ललचा गया, यहाँ आएंगे इंशाल्लाह ताला ऐमन को लेके। Adam, brother, if someone want to stay here, so what is the price? The price is around 9,000 per day. Yeah, per day. Okay. तो भाई ये 10 से 9,000 लीटर तक का ये विला है। I'm talking in Urdu to the viewers. Aman sir. सो 9 to 10,000 लीटर पर डे। अभी लोग ख़त्म करते हैं, बहुत काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और नींद छीन का मूड होने वाला है। अब यहाँ तो नहीं सोएंगे, हम घर जा रहे हैं वापस। क्लाइंट्स अलहमदिल्ला बहुत खुश हैं, और अलहमदिल्ला हमारी सर्विसेज इस तरीके की होती हैं कि अल्लाह का करम है, क्लाइंट्स खुश हो जाते हैं। तो द कपल विल स्टे हियर, और हम जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पूरी कहानी शेयर करने का मकसद ये है कि हम यहाँ डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस कर रहे हैं, एंड वीडियोग्राफी इवेंट मैनेजमेंट भी हमारे एक बिज़नेस है। अगर आपको यहाँ कोई बर्थडे सेलिब्रेट करनी हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो, या आपका कोई भी त्यौहार हो आपको सेलिब्रेट करना है, तो इंशाल्लाह ताला फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। इसके अलावा मैं यहाँ लीगल कंसल्टेंट भी हूँ, रियल इस्टेट इन्वेस्टर का भी काम करता हूँ मैं। इफ़ यू वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी हियर, रेंटर की फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, देयर इज माय व्हाट्सएप नंबर। पैर रख के चलना सीखा, 7 साल की उम्र में पहना पहला जूता सीखा, जो मैंने सीखा बुरे हालात का है नतीजा, मेहनत से पहुंचेगा मुकाम पे, मेहनत करेगा तू मिले तालियां भी बहुत, आगे रैपरों को झील दे, हमें लियारी वाले पूरे कराची का दिल में, कराची वाला गेम ऑन हुआ आगे तो देख, बाबा हमें है बलोच साहब मुँह पे करते बात सर, अपने ये मैं सुपर से भी ऊपर होने वाला स्टार हूँ भाई, टाइम अपना फुल, घर पे बैठेगा तो कैसे करेगा कुछ, उड़ता चील जैसे नजर हो शिकार पे, उसको ना समझ कम तुझमें भी हुनर है, नकली बहुत दूर बेटा असली को भी भून दे, पर मैं जैसे मून पे बैठा हूँ सकून से, जैसे मैं तीर हूँ कमान पे। निशाने हैदर वाला राशिद मिनाज में किसी का जो मैंने सीखा बुरे हालात का है नतीजा, दिल को उल्टा मत ठोक, दिल को रख तू साफ वरना खुद पे है तू।